दिन हो या रात, सबसे पहले आज सुबह टाइम्स आप देख रहे हैं खास रिपोर्टिंग के साथ। तेज रफ्तार में चलती हुई क्या खास रिपोर्टिंग, रात सबसे पहले आज सुबह टाइम्स आप देख रहे हैं खास रिपोर्टिंग के साथ। तेज रफ्तार में चलती हुई क्या खास रिपोर्टिंग। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज 19 नवंबर 2023 है। आज दीपावली के 6 दिन के बाद यह छठ माता का पूजा अर्चना बड़े हर्षोल्लास के साथ किया जाता है। आज छठ पर्व राष्ट्रीय पर्व के रूप में उभरता हुआ या देखा जा रहा है। वहीं पर आपको बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी एक संबोधन में सुना गया है, जो कि यह राष्ट्रीय पर्व के तौर पर जो है कहते हुए सुना गया। आज संपूर्ण भारत वर्ष में छठ पूजा अर्चना चल रही है। यह पूजा अर्चना उत्तरी भारत बिहार का प्राचीन छठ पूजा का परंपरा वहीं से उभरा हुआ और आज जो है संपूर्ण विश्व भर में यह छा गया है। आज हम कह दें कि यह जो है राष्ट्रीय पर्व के तौर पर देखी जा रही है और छठ पूजा पर्व है। यह बहुत ही कठिन पर्व है, जो कि बहुत ही नियम और धर्म से रहना पड़ता है। सारा दिन जो है महिलाएं निराजल रहती हैं और यह उत्तरी भारत यानी बिहार बहुत ही पुराना त्यौहार जो दीपावली के 6 दिन के बाद छठ पूजा माता बहनें यह पर्व करती हैं। सूर्य देवताओं को मनाने के लिए सूर्य देवता डूबते और उगते तक सभी रात भर जो है नदी किनारे सभी जो है या छठ मानने वाले सभी लोग वहीं नदी किनारे ही रहना पड़ता है और यह पर्व और जल में रहकर जैसे कि नदी या सागर या तालाब आदि घाटों पर रहकर और सारा रात भर जो है सूर्य देवता का इंतजार किया जाता है, पूजा अर्चना किया जाता है और छठी माता का जो भी पूजा अर्चना में लगता है सभी जो है भली भांत देते हैं। यह पर्व अक्सर भारतीय राज्यों में सबसे पहले बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ जगहों पर, झारखंड, नेपाल के कुछ जगहों पर, दक्षिणी स्थानों पर यह पर्व भली भांति मनाई जाने लगी है। यह पर्व अब सभी मनाने लगे हैं। देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी एक संबोधन में राष्ट्रीय पर्व छठी माता रानी का पर्व के शुभ अवसर पर संबोधित करते हुए सुना गया है। आज छठी माता के भारत के उत्तरी तराई क्षेत्र में छठ पूजा अर्चना चल रही है। नदी किनारे सागर और तालाब आदि घाटों पर आप सभी से और या दिल्ली में यदि बताएं तो इस वक्त जो है घर घर जो है यह पर्व मनाई जा रही है और यह पर्व अक्सर बिहार, उत्तर प्रदेश अनेक स्थानों से हिंदू पर्व सूर्य उपासना का लोक करते हैं और या ख़ास तौर से उत्तरी भारत में रहने वाले विदेशों और देशों में भी या छठी माता की पूजा अर्चना अपनी परंपरा मनाने के लिए सभी लोग लगे हैं। आपको बता दूं कि विदेशों में भी जो उत्तरी भारत के लोग हैं छठी माता को मनाते हैं और अपनी परंपरा जो है उन तक पहुंचाने के लिए भी यह बहुत बड़ा हम सभी में गर्व है कि या हमारे ही पर्व को देखकर उनमें भी जो है नए नए ऐसे जो है विचार आते हैं। तो यह हमारे देश की परंपरा और हमारा भारत वैसे ही अनेक सांस्कृतिक रीति रिवाज, अनेक भाषा, अनेक खान पान से या संपूर्ण भारत वर्ष है जो एक भारत कहलाता है। भारत की परंपरा अनमोल धरोहर ज्ञान की सरोवर है और यह पर्व आज छठी माता की पर्व दीपावली के 6 दिन के बाद छठी माता का पूजा अर्चना किया जाता है। विश्व में भी छठी माता प्रचलित हो गई है। यह पर्व धीरे धीरे त्यौहार प्रवासी भारतीय विश्व भर में अपनी परंपरा परचम लहरा रहे हैं। यह सांस्कृतिक रीति रिवाज और प्रचलित हो रहा है। यह छठ माता सूर्य, प्राकृतिक जल, आय और उनकी
बहन छठी मैया को समर्पित यह पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। पृथ्वी माता की रक्षा सुरक्षा, जीवन की रक्षा सुरक्षा, देवी देवताओं का आशीर्वाद आज माता रानी से मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं आज खास रिपोर्टिंग, जो कि जगह जगह से जो है फुटेज आप देख रहे हैं, खास तौर से जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से आप या रिपोर्टिंग के खास मायने और खास रिपोर्टिंग आप फुटेज भी वहीं का आपको दिखा रहे हैं। तो फिर हम आप देख आप रहे हैं। नमस्कार, मैं हितलाल दिल्ली से बोल रहा हूं और आज आप सभी देशवासियों को हमारे तरफ से और आज सुबह टाइम्स के तरफ से छठ महाव्रत का बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि यह छठ महाव्रत जो है वो बहुत ही क्या कहते हैं कि व्रतों का व्रत है। इसका व्रत इतना भारी है और इतना कठोर है जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि छठ महाव्रत पे देश में हर जगह, देश क्या विदेश में भी हर जगह, जहां भी हमारे पूर्वांचल के लोग रहते हैं या पूर्वांचल के लोग नहीं भी है, अन्य प्रांत के भी लोग हैं, वो सभी छठ व्रत बहुत ही लगन और धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ तक कि जितनी व्रत करने वालों की संख्या नहीं होती है, कहीं उससे ज्यादा 3 गुना 4 गुना जो उस आसपास के एरिया के जो लोग होते हैं, जो दूसरे क्षेत्र के होते हैं, उनको देखने के लिए लोग ललायित होते हैं। और इनकी महात्म सभी लोग जान चुके हैं कि छठ व्रत क्या है, क्योंकि छठ व्रत की पूजा जो है छठ पूजा है, वो छठ पूजा किसी एक तरीका से देखा जाए तो किसी देवी देवता की पूजा न होकर के प्रकृति की पूजा है, जहाँ से प्रकृति की रोशनी मिलती है, जहाँ से प्रकृति की पावर मिलती है, जहाँ से प्रकृति को हर सुख सुखदायक संपदा मिलती है, उस प्रकृति की पूजा है। उस प्रकृति को प्रकाश मान करने वाले की पूजा है। और इतना ही नहीं, इस हिसाब से इस पूजा में जो भी तेज से अर्घ दिया जाता है वो भी प्राकृतिक होते हैं, जैसे ठेकुआ, संतरा, फल, यानी फल में जितना फल चढ़ा सके, यहाँ तक कि उस व्रत में जो कुछ सब्जियों का भी योगदान होता है, जैसे मूली, सीताफल, गाजर, उस सभी के मतलब कि इस प्रकृति की पूजा को प्राकृतिक संपत्ति से ही, यानी प्राकृतिक चीज से ही पूजा की जाती है। ये शुद्ध शाकाहार और निर्जला व्रत है, क्योंकि 3 दिन तक जो व्रतधारी होते हैं वो निर्जला रहते हैं, वो अपने आप में इस रूप में ढाल लेते हैं कि उनको जैसे न भूख लगती है न प्यास लगती है। आजकल लोग 4 घंटा 5 घंटा प्यासे रहते हैं, भूखे रहते हैं, प्यास थोड़ी पानी पिला दो, लेकिन ये व्रत की पावर इतनी होती है और इतनी भक्ति और शक्तिमान से लोग पूजा करते हैं कि उनका शरीर खुद शक्तिमान हो जाते हैं। तो ये पूजा प्राकृतिक पूजा है और इस पूजा को जितने भी चीजें अर्घ दिया जाता है, ये आज जो ढलते हुए सूर्य का अर्घ दिया जा रहा है, फिर कल उगते हुए सूर्य का अर्घ दिया जाएगा, इससे आपको यही संदेश जाता है कि जो जब रात होती है तो रात के बाद दिन भी होता है, अगर हम दुख है तो दुख के बाद सुख भी होता है। तो इस ये पूजा पूरे पूर्वांचल में और पूर्वांचल के लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और अब तो ये परंपरा फैल गई है कि जो पूर्वांचल के लोग न रहते हुए अन्य प्रांतों के लोग भी इस पूजा में बढ़ चढ़ कर शरीक होते हैं और
माँ छठ महाव्रत मनाते हैं, उसमें अपने आप को कुछ न कुछ योगदान देते हैं। किसी की मन्नतें पूरी होती है तो जो मन्नतें होती है वो मन्नतें पूरी करने के लिए छठ घाट पर जाते हैं। किसी की मन्नतें होती है तो वो हाथ आके मन्नतें मांगती है कि हमें इस चीज़ की अभिलाषा पूरी हो जाए तो हम ये अगले साल ये करेंगे वो करेंगे, तो करते हैं। तो मतलब इस हिसाब से छठ व्रत से लोगों को बहुत विश्वास बढ़ गया है और सभी लोग छठ व्रत धूमधाम से मना रहे हैं। अच्छा जी, मैं चाहता हूँ कि आप सभी देशवासी इस छठ व्रत को धूमधाम से मनाए। मैं बताना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी भी जो है इसे राष्ट्रीय पर्व के तौर पर देख रहे हैं। सर, सच्ची बात यह है कि हम जब दिल्ली में एनडीए की यानी बीजेपी की ये जो था, क्या कहते हैं, एमसीडी थी, तो उस समय नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।